choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to Empire. तो अब तक कहानी में आपने देखा स्कारलेट विच अपनी पास्ट की एक गलती को ठीक करने की कोशिश करती है गिनर्स के अंदर लाखों मरे हुए म्यूटेंट्स को फिर से जिंदा करके, लेकिन वो सारे म्यूटेंट्स ज़ॉम्बीज के रूप में पैदा हुए और अब कोटाटी के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन असली खतरा तो अब आया है। एक्समैन का सामना एक कई बिल्डिंग ऊंचे कोटाटी मॉन्स्टर से होता है। आज से एक महीना पहले उस छड़ी को जमीन में मारने की वजह से स्कारलेट विच कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गई थी, और जब वो जागती है तो कई सारे म्यूटेंट ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ रहे थे। स्कारलेट विच ने कहा, ये सब गलत है, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। गाइस इसी हड़बड़ी में वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है, तुमने क्या किया? वांडा ने कहा, मैंने वही किया जो आपने कहा, मैंने एक बड़ी घंटी बजाई। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, हाँ तुम ऐसा मान सकती हो, लेकिन इस चीज को देखने के दूसरे नजरिए भी हैं। वांडा पूछती है, मैं नहीं जानती कि मुझसे क्या गलती हुई। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, तुम्हें लगा कि तुम 1,60,00,000 म्यूटेंट्स को फिर से जिंदा कर सकती हो, और यही सब लगने में ही चीजें गलत हुई। वांडा ने कहा, मैंने काफी कुछ रिसर्च की थी, मेरी स्पेल परफेक्ट थी, इसे काम कर जाना चाहिए था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, तुमने मौत के साथ इस तरीके से खेलने की कोशिश की, जैसे कि हमारे पास मौत के रैम की पावर्स हैं, तुम्हें पता होना चाहिए था, लेकिन तुम बिना सोचे समझे काम करती हो। कोई भी इस दुनिया में पाप को नहीं मिटा सकता, आज नहीं तो कल तुम्हें अपने पाप को स्वीकार करना होगा, वरना तब तक तुम यही सब तबाही मचाती रहोगी और दूसरों को तुम्हारा कूड़ा साफ करना पड़ेगा। वांडा पूछती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, मेरे पास सच में इन सब के लिए टाइम नहीं है। वांडा कहती है, यहाँ पे 1,60,00,000 म्यूटेंट ज़ॉम्बीज की बात हो रही है, टाइम निकालो। फिर कुछ रुक कर डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। वांडा ने कहा, सबसे पहले मैंने अलकरा से एक आंख ली, फिर केओस गॉडहेड से एक ट्राई क्राउन, और उसके बाद वर्ल्ड ट्री की एक जड़। फिर पानी पीते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज ने जोर से जमीन पे अपना गिलास मारा। वोंग अंदर आता है। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे आज की मीटिंग कैंसिल करने के लिए बोलता है, ये कहते हुए कि मैं एक सुसाइड मिशन पे जा रहा हूँ। वोंग ने कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज समझ गया था कि वोंग मीटिंग के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के बिना ही जाएगा। खैर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के साथ अलकरा के पास पहुंचा। उसने कहा, सबसे पहले तो मुझे इसकी एक दूसरी आंख चाहिए जो पहले वाले के असर को कम कर सके। वैसे तो ये काम लगभग इम्पॉसिबल होता, लेकिन इन्हें मेरा पुराना उधार चुकता करना है। गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज को वो आंख आसानी से मिल गई। फिर उसने कहा कि ट्राई क्राउन के इफेक्ट को कम करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वर्ल्ड ट्री की एक दूसरी जड़ को हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खैर उन लोगों को वर्ल्ड ट्री की दूसरी जड़ भी मिल गई और ये लोग गिनोसा पहुंचे। डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट की, आइलैंड के चारों तरफ एक बैरियर बनाया जिससे कोई भी म्यूटेंट ज़ॉम्बी आइलैंड से बाहर ना जा सके और ना ही उनका कोई हिस्सा जा सके। अब बस डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा की स्पेल उल्टी करनी थी। वो जोर से जमीन में अपनी वो छड़ी मारता है। उनकी वो छड़ी गायब भी हो गई, लेकिन वांडा ने देखा कि उन ज़ॉम्बीज का कुछ नहीं हुआ। तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने बताया कि मैंने स्पेल को इस तरीके से कास्ट किया है कि तुम्हारी पहले वाली स्पेल का असर तभी खत्म होगा जब तुम्हारी पहले वाली छड़ी गायब हो जाएगी। वांडा ने पूछा, और इसमें कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, यह कोई साइंस तो नहीं है, लेकिन लगभग 30 दिन लग जाएंगे। वांडा ने पूछा, और 30 दिन के अंदर अगर यहाँ कोई आ गया तो? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, बस अब भगवान से प्रार्थना करो कि यहाँ पे और कोई ना आए। लेकिन गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि कोटाटी एक्समैन और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की कुछ औरतें इस आइलैंड पे पहुंच चुकी हैं। आज 29वां दिन है। कोटाटी नॉट अपनी गोभी से बाहर निकलता है, गुर्रा रहा है। मैजी कहती है, देखो मैं इसे कैसे ठिकाने लगाती हूँ। किड ओमेगा बोला, मुझे नहीं लगता, इसका साइज बहुत बड़ा है। एक ज़ॉम्बी भी कहता है, सच में इसका साइज बहुत बड़ा है। जेमी कह रहे हैं, हमें भागना चाहिए, हमें सच में भागना चाहिए। लेकिन एंजल कहता है, नहीं हम यहाँ पे रुक के अपना काम खत्म करेंगे। कार्ट ने कहा, अगर काम इतना मुश्किल नहीं होता तो हम अब तक खत्म कर चुके होते। वहीं डॉक्टर हैंग मकोए एक कराकोन गेट के उस पार खड़े हेनरी से बात कर रहे हैं। हेनरी कहता है, तो मैं सोच रहा था डॉक्टर मकोए, कहते हैं कि जो लोग खुद से ही बात करते हैं उनके अंदर बहुत अहंकार भरा होता है। दबीश ने कहा, माफ करना हेनरी, मैं सुन नहीं पाया। मैं इस बात की तरफ सोच रहा था कि उन हॉर्टिकल्चर की औरतों ने हमारे कराकोन बायोटेक को हैक कैसे किया। तब मेरा मन किया कि मुझे उनकी एक मशीन की टेस्टिंग करनी चाहिए, इसलिए मैंने उनके डिवाइस का एक छोटा सा हिस्सा चुराया। हेनरी कहता है, चोरी करना गलत बात है। दबीश ने कहा, देखो हेनरी, एक साइंटिस्ट के तौर पे मैं ओपल की रिस्पेक्ट करता हूँ,
लेकिन मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता अगर मैं उनके इस डिवाइस को सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करता। मेरे दिमाग में हमेशा खुजली मची रहती। और जहाँ तक इसकी बात है कि मैंने चोरी करके गलत किया या फिर मैंने वो काम किया जो करना जरूरी था, किसी तरीके से उन हॉर्टिकल्चर की औरतों ने हमारे गेट का इस्तेमाल किया, उसके ऊपर कंट्रोल किया, और अब मुझे पता है कि वो ऐसा कैसे कर पाई। अब तुम ये मान सकते हो कि मैंने बुरा काम किया है, ठीक है, तुम गेट के इस पार आ सकते हो। गाइज, ये है फ्यूचर वाला एक्सप्लोडी बॉय, जिसे द बेस्ट उन हॉर्टिकल्चर की डिवाइस का यूज करके कराकोन गेट के थ्रू फ्यूचर से प्रेजेंट में लेकर आया है। ये सब देखकर हेनरी काफी चौंक गया, क्योंकि जब उसकी डेथ हुई थी तब अर्थ पे कहीं पे कराकोन नाम की कोई चीज नहीं थी। द बेस्ट कहता है, मैं जानता हूँ कि जब तुमने सुना होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो तुमने यहाँ पे आना चाहा, लेकिन ये कोई बच्चों के खेल नहीं है, खासकर उसके लिए भी नहीं जिसके पास धमाका करने की पावर हो। हेनरी कहता है, मैं मुसीबत से दूर रहने की बहुत कोशिश करूंगा लेकिन कुछ कह नहीं सकता। फिर हेनरी जेनो से पहुंचता है। वहां पे उसने एक्सप्लोडी बॉय को देखा जो कि एक कुटाटी हाथ खा रहा था। एक्सप्लोडी को उसे देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए। एक्सप्लोडी का, वेल मेरी कंडीशन तो काफी खराब है, बस टिका हुआ हूँ। हेनरी कहता है, देखो मैं कुछ नई लाइफ फिलोसफीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक्सप्लोडी पूछता है, और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? हेनरी ने कहा, झूठ नहीं बोलूंगा, काफी मुश्किल है, मैं भी तुम्हारी ही तरह मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए हूँ। फिर एक्सप्लोडी उसे उल्टी करके दिखाता है। हेनरी ने कहा, तुम्हें इन लोगों को खाना ही नहीं चाहिए था। जिसपे एक्सप्लोडी कहता है कि मैं कुटाटी को खा रहा था। फिर ये दोनों पास बैठकर मैजिक और उस कुटाटी नोट की लड़ाई देखने लगे। एक्सप्लोडी ने कहा, तो मैं तुम हूँ? हेनरी कहता है, वेल ये मुश्किल सवाल है, वेल तुम्हें मरे हुए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन खासकर तुम्हारी बॉडी को किसी तरीके से जिंदा कर दिया गया। अब तुम असल में हेनरी नहीं हो, क्योंकि तुम मर चुके हो। एक्सप्लोडी कहता है, लेकिन मुझे मरा हुआ फील तो नहीं हो रहा। वो अपना कान फाड़ कर दिखाता है। फिर पूछता है, ठीक है, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? हेनरी ने कहा, वैसे छोटे शब्दों में कहूँ तो म्यूटेंट्स ने मौत के ऊपर जीत हासिल कर ली और मुझे फिर से जिंदा कर दिया गया। एक्सप्लोडी पूछता है, मेरी तरह जिंदा? लेकिन हेनरी ने कुछ नहीं कहा। एक्सप्लोडी ने कहा, ठीक है, मेरी तरह नहीं, कितनी बुरी बात है। हेनरी बोलता है, अभी तो चीजें और भी खराब होने वाली हैं, जल्द ही इन सब ज़ॉम्बीज का सोल्यूशन पता लगा लिया जाएगा, तो हाँ तुम मरने वाले हो। एक्सप्लोडी पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हेनरी ने कहा, हम ठीक हैं, हम काफी अच्छा कर रहे हैं। फिर एक्सप्लोडी मॉम डैड के बारे में पूछता है। हेनरी ने कहा, देखो तो हम कितनी अच्छी तरीके से बातें कर रहे हैं। जब म्यूटेंट्स ने कुछ बीमारियों का इलाज पता कर लिया तब मैंने इसका इस्तेमाल हमारे डैड के ऊपर किया और अब उनकी गांठें ठीक हो चुकी हैं। एक्सप्लोडी पूछते हैं, तो फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है? ऐसे ही बातें करते करते हेनरी उसे अपनी पहली किस के बारे में बताता है। ये सुनकर एक्सप्लोडी खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि उसने पहली किस किससे की थी तब वो पागल हो गया, क्योंकि अपने टाइम में एक्सप्लोडी बॉय उस लड़की को पसंद नहीं करता। खैर, हेनरी ने उससे किस तो की लेकिन उनकी बात आगे नहीं बढ़ पाई, हालांकि उसे काफी मजा आया। एक्सप्लोडी पूछता है, तो अब मेरा क्या होगा कालिया? हेनरी ने कहा, जैसे कि मैंने कहा था कि सब चीजें खत्म होने वाली हैं, लेकिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बस यहाँ बैठकर इन बेवकूफों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन एक्सप्लोडी बॉय इतनी बकवास तरीके से नहीं मरना चाहता। वो हेनरी का जेट पैक लेता है और उसे एक आखिरी गुड बाय बोलता हुआ कुटाटी नोट की तरफ चल पड़ा। वो सीधा उसके मुंह में घुसता है और उसने अपनी बॉडी में एक बड़ा धमाका किया, जिससे कुटाटी नोट तो मारा गया लेकिन उसका कचरा सभी म्यूटेंट्स के ऊपर पड़ा। हालांकि उस कुटाटी नोट के मरने की वजह से बाकी सारे कुटाटी भी धीरे धीरे मरने लगे। लेकिन मैजिक कहती है, मैंने इन लोगों को हराया है, इस आइलैंड पे मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। एंजल उसे समझाने की कोशिश करता है। मैजिक ने कहा, चुप हो जाओ गुलाम, मैं यहाँ सबसे ताकतवर हूँ, अब मैं इस वर्ल्ड और सारे हेल्थ के ऊपर कंट्रोल कर सकती हूँ। यहाँ तुम सभी मेरे गुलाम हो, तुम भी और तुम नीली छतरी वाले। लेकिन गाइस, तभी डॉक्टर शेंस वाले 30 दिन पूरे हुए, मैजिक की वो छड़ी गायब हो गई और इससे वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। इसके साथ साथ सारे म्यूटेंट्स भी उड़ गए। मैजिक ने कहा, ओह मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। बीच पूछते हैं, तो हाथ में लेने के बाद कैसा लगा तुम्हें? मैजिक ने कहा, कुछ गलत नहीं लगा। फिर वो देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर की औरतें भी वहां से भाग रही हैं। एंजल उनका पीछा करना चाहता है लेकिन कर्ट ने मना किया और बीच ने कहा, वैसे भी मेरे पास उनकी एक टेक्नोलॉजी है तो कह सकते हैं कि हम जीत गए। तो एक्समैन अब वापस से घर जाने की तैयारी में है। जेनोसा आइलैंड पहले जैसा बन चुका है, हालांकि जो कुछ वहां पे तबाही हुई वो वैसे की वैसी है। हेनरी अब भी प्रेजेंट में है और उसका जेट पैक भी बिल्कुल सही सलामत है। वहीं हॉर्टिकल्चर की औरतें फिर से अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाती हैं, जबकि बीस्ट उसकी चुराई हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर और रिसर्च करना चाहता है। लेकिन वांडा वो अब भी शांत नहीं बैठ रही।
वो फिर से कोई ऐसा तरीका खोज रही है जिससे उन सारे म्यूटेंट्स को जिंदा कर सके, अपनी पिछली गलतियों को ठीक कर सके। तो उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए।